क्या आपने कभी सुना है कि एक बहन ने दूसरी बहन को टॉप करने से रोक दिया? जी हाँ, ऐसा ही एक अनोखा मामला फतेहपुर से सामने आया है, जहां स्क्रूटनी के बाद यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट यानी 12वीं की टॉपर रातों रात बदल गई। 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2022 की टॉपर रही दिव्यांशी अपनी जुड़वा बहन दिव्या की वजह से सेकेंड टॉपर बन गई है। जुड़वा बहनों ने प्रदेश में पहले और दूसरे स्थान पर अपना कब्जा जमाते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया है। तो इसके लिए हमने स्क्रूटनी का फॉर्म फिल किया था, उसके बाद जिससे प्रोसेस होता है, उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसका रिजल्ट आ गया है। स्क्रूटनी क्यों आपने फॉर्म फिल किया था? क्योंकि सर जब हिंदी में मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, और इसलिए मैंने दोबारा इसलिए इसमें कराया था स्क्रूटनी का फॉर्म। किन किन सब्जेक्ट्स में मार्क्स आपके बढ़े हैं? फिजिक्स और हिंदी में। कितने कितने मार्क्स बढ़े बेटा? फिजिक्स में 8 मार्क्स पड़े हैं, 91 से 99, और हिंदी में 38 मार्क्स पड़े हैं, 56 से 94। आपने स्क्रूटनी क्यों कराई? क्या लगा था कि आपको आपके नंबर कम है, क्यों कराई स्क्रूटनी आपने? सर क्योंकि जिस टाइम मैंने मेहनत की थी हिंदी सब्जेक्ट में वो बहुत ज़्यादा ही कम नंबर थे, इसलिए हमने दोबारा स्क्रूटनी कराई। क्या करना चाह रही आगे, क्या आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अच्छा, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। किस तरह तैयारी कर रही हैं, आगे क्या प्लान है तैयारियों का? सर अभी तो मैंने अभी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की है, और उसके बाद अभी ग्रेजुएशन, और उसके बाद फिर से और प्रिपरेशन जिस तरह चल रही है। पहले क्या रैंक थी आपकी इंटरमीडिएट, अब क्या रैंक है? पहले सर कोई रैंक नहीं थी, अब फर्स्ट रैंक है। बच्चियों की इस सफलता पर परिवार के साथ ही स्कूल में भी खुशी का माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे घर में सबको अच्छा लग रहा है, और इसके लिए हमने स्क्रूटनी का फॉर्म डाले थे, उसके तहत नंबर सही हुए। तो क्या दिव्यांशी को कितना मार्क्स आया और दिव्या कितना मार्क्स आए थे? दिव्यांशी के 500 के पूर्णांक में 477 अंक थे, परंतु अब दिव्या के 500 के पूर्णांक में 479 नंबर हैं, 2 अंक ज़्यादा प्राप्त किया। दोनों सगी बहन? जी दोनों सगी बहन हैं जी, दोनों मेरी पुत्रियाँ हैं जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। दिव्यांशी की क्या स्थिति है? दिव्यांशी बहुत ही खुश है, जिस समय से रिजल्ट सुनी है वो बहुत ही प्रसन्न है, कम से कम उसकी बहन के भी रिजल्ट सही हुआ है। फतेहपुर के माँ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा दिव्यांशी ने इस साल यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा में टॉप किया था। दिव्यांशी ने परीक्षा में 95.4% अंक के साथ कुल 500 में से 477 अंक हासिल किए थे। दिव्या को हिंदी के अलावा अन्य सभी विषयों में दिव्यांशी से अच्छे नंबर मिले थे, लेकिन हिंदी में सिर्फ 56 अंक मिलने से उनका नाम मेरिट में नहीं आया था। ऐसे में दिव्या ने स्क्रूटनी के बाद आवेदन किया था। स्क्रूटनी के बाद हिंदी में नंबर बढ़कर 94 हो गए, जिससे कुल अंकों का योग 489 हो गया, जो कि अब दिव्यांशी से भी ज्यादा है। उनका नया रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। दोनों ही बहनें देश को आगे ले जाने का ख्वाब संजोए जी तोड़ मेहनत में जुटी हैं। स्क्रूटनी के बाद टॉपर बनी दिव्या का कहना है कि वो IPS बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रही दिव्यांशी प्रोफेसर बनकर महिलाओं में शिक्षा की अलख जगाने का काम करना चाहती हैं। दिव्या के पहले स्थान पर आने के बाद अब फतेहपुर के खाते में 2 टॉपर हो गए हैं।